अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 21 के साथ हाजिर हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में अभी हमने देखा कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं चाइनीज के अंदर, उन्हें किस तरह से पुकारा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप मुख्तलिफ कंट्रीज के जो बशिंदे हैं उनको कैसे बुलाएंगे। यानी मतलब कहने का यह है कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं तो मुझे क्या कहते हैं, पाकिस्तानी, ठीक है। इसी तरह इंडिया का जो रहने वाला है उसे इंडियन कहते हैं। तो चाइनीज में कैसे कहा जाएगा वो देखते हैं। तो वर्ड है हमारे पास REN, रन। रन मतलब पर्सन यानी शख्स, ठीक है। REN, रन, रन। तो हमने देखा था कि चाइना को जो चाइनीज में कहते हैं वो है चुंगवा, ठीक है, चुंगवा। और उसके साथ हमने अगर रन लगा दिया तो क्या बन गया, चाइनीज पर्सन यानी चाइनीज। चुंगवा मतलब चाइना और REN, रन, ठीक है, पर्सन। तो ये क्या बन गया, चाइनीज, चुंगवा रन, ठीक है। इसी तरह अमेरिका को क्या कहते थे, मेगुआ, और उसके साथ रन लगा दिया तो अमेरिकन, मैगुआरन, 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 ठीक है। इसी तरह अफगानिस्तान, अफगान सॉरी फ्रांस जो है उसको क्या कहते थे, फागुआ, और उसके साथ रन लग गया तो ये क्या बन गया, फ्रेंच, फागुआरन, फागुआरन, द गुआरन, जर्मन, द गुआरन, जर्मन, इंग्वारन, इंग्लिश यानी इंग्लैंड का रहने वाला, ब्रिटिश, ठीक है। इंग्वा कहते थे इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, और आर्यन लग गया तो ये क्या बन गया, इंग्लिश यानी ब्रिटिश, ठीक है, इंग्वारन। अफगानिस्तान को कहते हैं अफुहान, रन लग गया तो बन गया अफगानी, अफुहान रन, अफुहान रन, अफगानी। ई लांग रन, ईरानी। आओ तालिया रन, ऑस्ट्रेलियन। च्यानतरन, 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 कैनेडियन, ठीक है, च्यानतरन। इसी तरह मलाइशिया रन, मलाइशिया रन, मलाइशियन, ठीक है। इंतुरन, इंतुरन, इंडियन, यानी इंतु किसे कहते हैं, इंडिया को, और रन लग गया तो क्या बन गया, इंडियन, इंतुरन, इंडियन। और लास्ट में पाकिस्तान, पाकिस्तान को क्या कहते हैं, पाकिस्तान, और रन लग गया तो पाकिस्तानी, पाकिस्तान रन, पाकिस्तान रन, पाकिस्तानी, ठीक है। तो दोस्तों, हमने पहले भी इस वर्ड को देखा है, ना को, ना का मतलब अभी तक हमने देखा था डैट, ठीक है, लेकिन इसका एक और मतलब भी है, वो है विच, विच यानी किस। ना मतलब डैट और विच, जो किस, जो भी इसका मतलब है उर्दू में, ठीक है। तो अगर हम किसी से पूछना चाहते हैं कि आप किस मुल्क के रहने वाले हो, किस मुल्क के बशिंदे हो, सॉरी किस मुल्क के बशिंदे हो, किस मुल्क के पर्सन हो, तो हम कैसे पूछेंगे उसे, हम कहेंगे नी शिर नागवारन, आप किस मुल्क के बशिंदे हो, यानी नी तुम, शिर हो, ना विच, किस, गुआ मुल्क, रन शख्स, नी शिर नागवारन, तुम किस मुल्क के बशिंदे हो, तो फिर आप कहेंगे, ठीक है, यू आर विच कंट्री पर्सन, इसका ये मतलब हुआ। तो आप कैसे जवाब देंगे, वा शिर पाकिस्तान रन, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं, यानी मैं पाकिस्तानी हूं, ठीक है। निशिर नागवारन, वाशिर पाकिस्तान रन, मैं पाकिस्तानी हूं। निशिर इंतुरनमा, क्या तुम हिंदुस्तानी हो, वो कहता है जी वपूशिर इंतुरन, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, तनशिर बल्कि वाशिर पाकिस्तान रन, मैं पाकिस्तानी हूं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक शेयर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।